दोस्तों, आप देख रहे हो मोटोबर्ग और आज आपके सामने खड़ी है FZ150। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। जो इस बाइक के ओनर है उनसे मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है, किसी रीज़न से वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे, पर कोई बात नहीं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो बाइक है ना, ये करेंटली चली है लगभग 5000 किलोमीटर्स के आसपास एंड इसको खरीदे एक साल से ऊपर हो चुका है अभी। तो इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स और क्या आपको FZ खरीदनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो शुरुआत दोस्तों मैं करना चाहूंगा कुछ ऐसे सवालों से जो कि मैंने ओनर से इस बाइक के रिगार्डिंग पूछे थे। सबसे पहला सवाल था कि इस बाइक को उन्होंने क्यों खरीदा या फिर FZ खरीदने का रीजन क्या था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइक चाहिए थी, एटलीस्ट 8 से लेकर 10 साल तक उनको बाइक को यूज़ करना था और माइलेज और कंफर्ट उनकी प्राइम रिक्वायरमेंट थी। और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अपाचे 160 और FZ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। बट अंत में जब अपाचे और FZ का साथ में उन्होंने टेस्ट राइड लिया तब उनको रिफाइनमेंट और कम्फर्ट के हिसाब से जो है FZ उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई अपाचे के कंपेरिजन में। तो ये था उनका रीज़न इस बाइक को खरीदने का। बाकी दोस्तों, FZ एक रिलायबल प्रोडक्ट है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बिना किसी दिक्कत की यूज़ कर सकते हो, माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है, जिसके बारे में अभी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। बाकी FZS की उनको ऑन रोड प्राइस पड़ी लगभग 1,27,000 रुपीज़ के आसपास, वो भी कर्नाटक के अंदर। अभी इस बाइक की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा सवाल था वो था इस बाइक के प्रोज के बारे में, यानी कि इस बाइक के कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो सबसे पहले उनको माइलेज के हिसाब से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी के लिए वो लगभग 45 से लेकर 50 KMPL के बीच में माइलेज इस बाइक में आराम से निकाल लेते हैं और ज़्यादातर उनकी जो रनिंग है वो सिटीज़ और गली रोड्स में। बाकी हाईवेज़ में और लॉन्ग राइड्स में इस बाइक को चलाया जाए तो लगभग 55 या फिर उससे ज़्यादा भी वो माइलेज इसमें निकाल लेते हैं, अगर स्पीड को 60 और 80 के बीच में मेंटेन किया जाए तो। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी माइलेज ये बाइक ज़रूर से देती है। सेकेंडली, कंफर्ट लेवल्स भी इस बाइक के उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अभी ओनर की जो हाइट है वो है लगभग 6 फीट के आसपास और वो थोड़े से हेल्दी टाइप के हैं, तो उनके हाइट और उनके साइज़ के हिसाब से ये बाइक उनको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी। बाकी FZ में आपको थोड़ा सा अपराइट सीटिंग मिलती है जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ग राइड्स में भी बिना किसी थकावट के चला सकते हो। इसके सीट्स भी थोड़े से वाइड हैं, पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह यहाँ पर मौजूद है एंड ओवरऑल जो कंफर्ट लेवल्स है ना वो आपको ज़रूर से FZ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। थर्डली दोस्तों, इंजन रिफाइनमेंट ये आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है FZ के अंदर एंड इस बाइक को मैंने भी थोड़ा सा चलाकर देखा था एंड इंजन इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ऑफकोर्स अगर आप 90 से ऊपर अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तब थोड़े से वाइब्रेशन आपको इसके फुट पेक्स और हैंडल बार्स में फील होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये बाइक काफ़ी स्मूथ मक्खन जैसी चलती है, बिल्कुल भी आपको कोई भी वाइब्रेशन या फिर अननेसेसरी साउंड इसके इंजन में आपको सुनाई नहीं देती है। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर इंजन रिफाइनमेंट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस बाइक का। इसके बाद हैंडलिंग और ब्रेकिंग जो है वो दोनों ही ओनर को इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आपकी रनिंग सिटीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो उन रोड्स में FZ को काफ़ी आसानी से आप चला सकते हो। एक तो इसकी वेट काफ़ी कम है एंड इसका जो टर्निंग रेडियस भी है ना वो भी काफ़ी मात्रा में कम है इसके कॉम्पिटिटर से, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़े आसानी से आप इसको कहीं पर भी निकाल सकते हो एंड जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ होती है वो आपको सिटीज़ में ज़रूर से मिलती है इस बाइक के अंदर। बाकी हाईवे परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बाकी नेकेड बाइक होने की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसके अलावा आपको FZ के अंदर रेडियल टायर्स मिलते हैं एंड इसके सस्पेंशन भी थोड़े से स्टिफ है जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करते समय ये थोड़ी सी स्टेबल फील होती है। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। बाकी ब्रेकिंग के हिसाब से भी कोई कमी नहीं है इसमें, आपको ब्रेक्स में डुअल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS इसमें दिया गया है। डुअल चैनल ABS ना होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ब्रेकिंग मिलती है इसमें, मैंने भी इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था एंड ब्रेक्स दोस्तों इसके काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो ये थे दोस्तों इस बाइक के सारे प्रोस जो कि मुझे ओनर ने बताए। अभी अगर मैं बात करूँ कॉन्स के बारे में, यानी कि इसकी कमियों के बारे में, तो कॉन्स में सबसे पहले ओनर को इसका जो MID है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड फील हुआ और इस चीज़ को दोस्तों मैं भी एग्री करता हूँ बिकॉज इसका MID काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है
MID के नाम पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है जिसकी विजिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। फीचर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड दिए गए हैं। और अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हो ना, जैसे कि अपाचे या फिर जिक्सर या फिर एक्सट्रीम जैसे बाइक्स में, तो उसका MID दिखने में काफ़ी अच्छा और मॉडर्न सा लगता है एंड उसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे दिए गए हैं। जो सनलाइट विजिबिलिटी वगैरह है वो भी आपको उनके MIDs में बहुत ही अच्छी मिलती है कंपेयर टू FZ का MID। तो MID जरूर से यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन फिर भी 2021 मॉडल में भी वही पुराना MID यूज़ किया गया है, तो ज़रूर से इसको इम्प्रूव करना चाहिए यामाहा को। सेकेंडली, यहाँ पर ओनर को इस बाइक में पावर की थोड़ी सी कमी लगी, तो आपको FZ में 12.7 PS की पावर मिलती है जो कि एक्चुअल में सफिशियंट है नॉर्मल कंडीशन के लिए, लेकिन फिर भी 150 CC का जो पूरा मज़ा है ना वो आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिलता। अगर आप FZ के सेगमेंट में बाकी बाइक्स को देखते हो तो उनमें आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है, परफॉर्मेंस वाइज वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू FZ। तो ज़रूर से पावर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था जिससे इसके पिकअप में और इसका जो चलाने का अंदाज़ है वो आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होता। थर्डली दोस्तों, यहाँ पर इसके डिज़ाइन के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है ना वो दिखने में अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली इसके डिज़ाइन से ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है, अच्छी लगती है दिखने में। बड़ा सा आपको टैंक मिलता है सामने की तरफ जिसकी वजह से बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। बट दोस्तों, यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है ना वो काइंड ऑफ कुछ एंगल से उतना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि इसका जो हेडलाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है कुछ पर। तो अगर इसका हेडलाइट थोड़ा सा बेहतर ढंग से डिज़ाइन करते या फिर अगर इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शनल वो डिज़ाइन देते तो सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक ये बन जाती। बाकी दोस्तों, ये थे सारे कॉन्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर। एंड अंत में अगर बात की जाए कंक्लूजन के बारे में, तो सबसे पहले ओनर जो है इस बाइक के वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसको लेकर, उनको कोई भी मेजर प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं करनी पड़ी इस बाइक के अंदर। एंड डेली वो चलाते हैं, ऑफिस यूज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर परचेज किया था और उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स थे जैसे कि माइलेज और कंफर्ट वो सब कुछ ये बाइक पूरी कर रही है, तो वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है अपने परचेज से। बाकी किन लोगों को ये बाइक परचेज करनी चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी दोस्तों, अगर आपको एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए जिसमें आपको अच्छी माइलेज भी मिले, अच्छा कंफर्ट भी मिले, डेली आपको कॉलेज ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, सिटीज़ में अगर आपकी ओवरऑल ज़्यादातर रनिंग है, तो मैं कहूँगा कि यार आग बंद करके आप इस बाइक को ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बाइक है और इसमें आपको काफ़ी रिलायबल इंजन मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी FZ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो ज़रूर से आप ले सकते हो इस बाइक को बिना किसी दिक्कत के। बाकी दोस्तों, अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, पावर वगैरह आपको ज़्यादा चाहिए, 150 CC का अगर आपको पूरा फील लेना है, इसी सेगमेंट में बाकी बाइक्स भी काफ़ी सारे ऐसे अवेलेबल है, तो उनको भी एक बार आप देख लो। परफॉर्मेंस वाइज आपको जिक्सर एक्सट्रीम वगैरह थोड़ी सी बेहतर मिलती है FZ के कंपैरिजन में। तो ये था दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस बाइक को लेकर। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बाइक के रिगार्डिंग ज़रूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही अगर आपको बाइक्स एंड कार्स के रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ देखनी है तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।